यहाँ पे एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का तिगुना है, तदनुसार उस समबहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समबहुभुज की जो भुजाएं हैं उससे क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। तो यहाँ पे एन है, माना कि एन है, और उसके बाद एन हो तो एक फार्मूला है टू एन और माइनस में फोर 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2n की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमें, तो 2n माइनस 4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3, तो 12 हो गया। 2n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2l की n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 प्लस 4 करेंगे इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 16। और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2n है इक्वल टू में 16 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, मतलब n की वैल्यू क्या आई, 8। तो भुजाएं कितनी होंगी, 8, यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 8 होगा इसका।